है। तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर का हमने आगाज कर दिया। इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज है, इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, ठीक है। जो पहला हिस्सा है हमारे पास, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बेस करता है। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से अगर कोई चीज एग्जाम में आती है तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक वाला हिस्सा है। इसके टॉपिक एग्जाम में आते हैं जिसके अंदर हम लोग डायोड पढ़ते हैं और ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं। तो डायोड और उनकी वर्किंग, उनके फंक्शन, और ट्रांजिस्टर की क्या होते हैं और उनकी फंक्शन, उनके उनका जो पर्पज, उनका यूज जो है वो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, ये एग्जाम में आता है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो टॉपिक है वो हमारे जो सिन टेक्स बुक बोर्ड है, तो हमारी जो बुक है सिन की, उसमें बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। और खुशी की बात ये, मतलब एज ए फिजिसिस्ट तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इतना ज्यादा डिटेल में दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में से उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता। एग्जाम में कोई चीज नहीं पूछी जाती, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का एक फॉर्मूला है, वो कभी कभार न्यूमेरिकल के अंदर वो दे देता है। उसमें भी करना कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यूज हैं, वो भी गिवन होती है, पुट करनी है, आंसर आ जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम फिजिक्स के लिहाज से हम इसको, मैं चाहूंगा कि कुछ बेसिक्स आप जरूर इसकी पढ़ लें, ठीक है। तो वो बेसिक्स मैं आपको भी बता देता हूँ, या उसके ऊपर ये डिस्कशन आज की क्लास की रख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। अच्छा, इस कहानी को हम इसी तरीके से शुरू कर लेते हैं जिस तरीके से हमारी किताब में डिस्कस की हुई, ताकि जब आप बुक से पढ़ें तो आपको समझने में आसानी हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। देखिए, हम बात कर रहे हैं उन वेव्स की जिन वेव्स के अंदर, हम बात कर रहे हैं उन वेव्स की जिन वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है। अब देखिए, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स हैं, उनमें से कुछ रिजल्ट तो हम जानते हैं। मसलन ये बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 14 में, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, फैराडे ने ये बात डिस्कवर की थी कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, याद है हमने कहा था कि वेरिंग यानी चेंज होती हुई वेरिंग बी क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस, उसको मैंने कहा था इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ, अगर आपको ये बात याद हो तो, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ। अब ये जो इंड्यूस करंट है, ये जो करंट है बेसिकली, ये क्या है, करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। ये चार्जेस का क्या है, फ्लो है। और अगर चार्जेस का फ्लो है तो जो चार्ज होते हैं, अगर मैं कहता हूं कुछ चार्ज, फर्स्ट करो हम आमतौर पर जो करंट है वो कन्वेंशनल करंट पढ़ रहे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग अपनी लिटरेचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो जो चार्जेस हैं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या कह रहे हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है, तो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड किस चीज को प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सो फैराडे के जो लॉ है उससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो वेरिंग बी है वो प्रोड्यूस करती है किसको, ई को प्रोड्यूस करती है। लेकिन कौन सी ई, एक ऐसी ई जो कि क्या हो रही होती है, वेरिंग हो रही होती है, कुछ भी तब्दील हो रही होती है, ओके। इसी तरीके से ये हमें फैराडे ने बताया था। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैक्सवेल, मैक्सवेल की बातें हमारे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल मैथमेटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हमें देती है मैक्सवेल की। चार इक्वेशंस हैं जिसके जरिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहरहाल हमारे कोर्स में नहीं है। लिमिट कहने का मतलब ये है कि मैक्सवेल ने ये बात डिस्कवर की थी, या मैक्सवेल की इक्वेशंस हमें ये बात बताती हैं कि जो वेरिंग ई है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये दो बहुत अहम किस्म की बात है कि चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करती है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये कहलाती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो बेसिकली एक दूसरे के साथ किस तरीके से ट्रेवल कर रही होती है, इसके ऊपर हमने बातचीत करनी है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि ई एंड बी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अच्छा आप नोट कीजिएगा, वैसे तो ये बात आपको मैं मतलब जाहिर सी बात है चैप्टर नंबर 12, 13, 14 हम सब पढ़ चुके हैं तो ये बात आपको मालूम होगी, लेकिन फिर भी आप गौर करें, मैं ई के ऊपर भी एरो लगा रहा हूँ, बी के ऊपर भी एरो लगा रहा हूँ। इसका मतलब है मैं आपसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, ओके, बी केयरफुल, ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि कुछ कहानी ऐसे है कि अगर मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ और ये एरो मैं दिखाता हूं स्ट्रेट ऊपर वाला एरो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस पे परपेंडिकुलरली ये मैं वेक्टर दिखा रहा हूं किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद ये ई और बी, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, अच्छा क्यों परपेंडिकुलर है ये मैं बताता हूं अभी, ओके। ये ई और बी जो दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाहिर सी बात है कहीं ट्रैवल करती है ना, कहीं जा रही है वेव, एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, प्रोपेगेट करती है, ट्रांसमिट करती है। तो ये है वो डायरेक्शन जिसे हम कह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। तो ये जो एरो है इसको मैं कह देता हूं कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ, हम कह लेते हैं ट्रेवलिंग, ये ट्रेवलिंग की क्या है हमारे पास डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है। इसको आम तौर पर पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं, पी ओ वाई एन टी आई एन जी, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। ये वो पी ओ आई एन टी वाला पॉइंट नहीं है, ये पॉइंटिंग वेक्टर है, ये एक नाम है बंदे का। तो पॉइंटिंग वेक्टर भी कहलाता है कि इस डायरेक्शन में बेसिकली ये क्या कर रही है, जा रही है। अच्छा मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं, बोल रहा हूं देखो देखो, फर्ज करो कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक, ये दोनों फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और ये पेंसिल जो है ना ये वो डायरेक्शन है जिस तरफ फील्ड ट्रेवल कर रही है आपकी तरफ। तो ये मैंने इस तरह बना दिया। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होता है और एक उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रेवल करती हुई जाती है, ये सारी बातें मैं समझाता हूं अभी आपको, ओके। तो ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में जा रही है। तो एक तो बात ये है कि ई और बी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसके अलावा ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग जिस डायरेक्शन में ये जा रही हैं, उस पर भी ये दोनों इसके ऊपर भी, यानी ई और बी, ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग के ऊपर, इस पे परपेंडिकुलर है। तो यहां तक एक बात हो गई। अब हमने इस बात को डिस्कस करना है कि ये जो ई और बी है ये बनते किस तरीके से हैं और ई और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर किस रहे, ठीक है। एक बात तो ये, अच्छा यहां पर इस मौके पर एक बात और सुन लीजिए और वो ये है कि जो ई और बी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में कैसे ट्रेवल करती हैं इसके बारे में भी अभी हम लोग बात कर लेते हैं और इससे एक फॉर्मूला भी हमारे पास, तो वो फॉर्मूला भी आप देख लें। देखिए जो स्पीड है हमारे पास ऑफ ई एम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है उसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब मेरा ख्याल है जितनी फिजिक्स यहां तक हम पढ़ चुके हैं आपकी समझ में आ रहा होगा, जो म्यू नॉट है ये कहलाता है फ्री स्पेस परमिएबिलिटी, ओके। दिस इज नोन एज फ्री स्पेस परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई
एक्सपोनेंट माइनस 7। इसी तरीके से ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास कहलाता है फ्री स्पेस परमिटिविटी, फ्री स्पेस परमिटिविटी जिसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12। तो अगर हम म्यू नॉट की जगह पर ये वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ये वैल्यू यहां पे पुट करें और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आता है 2.99 एक्सपोनेंट 8 और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और इसी चीज को हम अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लेते हैं 3, 2.99 को क्या लेते हैं 3 और एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है। लाइट रोशनी की स्पीड भी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है जो रोशनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जाके प्रूफ हुआ कि जो रोशनी है जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आप देख सकते हैं जो जो स्पीड है वो फ्री स्पेस परमिबिलिटी और फ्री स्पेस परमिटिविटी पे डिपेंड कर रही है, जिसका मतलब ये है कि इसको किसी मीडियम का होने या ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर कोई मीडियम ना हो तो तभी तो हम फ्री स्पेस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट की स्पीड वैक्यूम है, विच मींस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपनी प्रोपेगेशन के लिए किसी किस्म के कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। बी केयरफुल। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो एग्जाम में ये वैल्यू भी आपको गिवन होती है और ये वाली वैल्यू भी आपको गिवन होती है, दोनों वैल्यूज गिवन होती हैं और वो कहता है कि आपको के स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैलकुलेट कीजिए। तो क्या कैलकुलेट करना है, बस ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज को पुट कीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये वो इक्वेशन है जो कि कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून 12-15 साल में एक दफा आपको ये इक्वेशन जो कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में नजर आ जाए तो आ जाए, वरना नजर नहीं आता। तो यहां तक तो ये स्पीड की हमारी बात हो गई है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जाती है, ये है सबसे की पॉइंट, ये की क्वेश्चन कि हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती? यस वी हैव मैग्नेटिक फील्ड। हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जिसको हमने वहां पर नाम दिया था करंट का, अगर आपको याद हो तो, जब करंट हमारे पास होता है यानी चार्जेस फ्लो करते हैं तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्या वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है क्या वो स्पेस में प्रोपेगेट करती है? मेरे कहने का मतलब है कि अगर करंट है तो करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक है। क्या उस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? द आंसर इज नो, नहीं जा सकती। ये याद रखिएगा बात। तो वो क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि एक्चुअली वो जो जो करंट होता है, जब करंट फ्लो करता है या चार्जेस फ्लो करते हैं तो जो करंट होता है उसमें जो चार्जेस की जो मोशन होती है, अगर आपको याद हो थ्योरी चैप्टर नंबर 13 की शुरू में मैंने बताई थी, वो क्या है कि चार्जेस एक वेलोसिटी से मूव करते हैं जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मेरी बात समझ आ रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो करंट की वजह वेलोसिटी होती है। अगर करंट की वजह वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसमें वो एनर्जी नहीं है कि वो प्रोपेगेट कर सके। सो याद रखिएगा करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो एक जगह से दूसरी जगह, या ये कहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। बाय द वे ये बात मैंने चैप्टर नंबर 14 में बड़ी अच्छी तरह आपको समझा दी थी कि जब करंट फ्लो करता है तो उस वक्त उस वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा था कि नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो करंट में, स्टेडी करंट में सबसे बड़ा मसला ये है, अगर चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं एक तो वो प्रोपेगेट नहीं करती, नंबर टू उस वक्त कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं आ सकता अगर हम सिर्फ करंट की बात करें, स्टेडी करंट की बात करें। ओके, सो द क्वेश्चन इज देन हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ लेट्स जंप टू दिस टॉपिक। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
लास्ट लाइन डिक्टेट करते हैं, नेट थोड़ा स्लो चल रहा था, लास्ट लास्ट की लाइंस दो तीन जो मैंने अभी बोला था ना, मैं लिख देता हूँ ये सारी बातें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। स्टेडी करंट के एग्जांपल क्या होगी? स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, जिसे मैं कह रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कह रहा हूं। स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करंट, ये हमारे पास करंट प्रोड्यूस करता है, बट इट हैज ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद रखिएगा, नो ई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ये चैप्टर नंबर 14 में हमने डिस्कशन की थी। एंड दिस बी इज न्यूट्रल कर देता है उस वजह से, यस यस यस, कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो एटम है उस एटम में जो ऑपोजिट चार्जेस मौजूद हैं, मतलब मिसाल के तौर पर अगर तुम ऐसे ले लो कि करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना, तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है, तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैंने वहां पर बात की थी। और वो मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब है फैलती नहीं है इन स्पेस, स्पेस में नहीं फैल जाती बल्कि वहीं पर रहती है उस मैग्नेटिक फील्ड में। सो इसका मतलब यह हुआ कि जो करंट है हमारे पास या जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं मिल रही है, मैं कह रहा हूं। तो अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे मिलेंगी? वैसे सवाल का जवाब मैं आपको क्विकली अगर आप उसे पूछें तो इस सवाल का जवाब यह है, व्हेन वी एक्सेलरेट और डीसेलरेट, जब हम एक्सेलरेट करते हैं या डीसेलरेट करते हैं किसको? चार्ज पार्टिकल को। चार्ज पार्टिकल का मतलब यह है कि जो करंट है, तो करंट अगर हमारे पास कुछ इस किस्म का हो कि जिसमें वो या तो एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हो या डीसेलरेट कर रहे हो, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? इस सवाल को डिस्कशन करते हैं।